की हालत में रजत पहुंचा आशिका के घर, साथ ही वहां पे भी हो गई है साबी की एंट्री। सो गाइस, गुम है किसी के प्यार में वंस अगेन एक बहुत ही बड़ा और ट्विस्ट भरा सीन हमें देखने को मिलने वाला है। जिस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि नशे की हालत में रजत अपनी एक्स वाइफ यानी कि आशिका के घर पहुँच जाते हैं और उनकी करंट वाइफ यानी कि साबी पहुँच जाती हैं पीछे पीछे उधर ही, जहाँ पर जो आशिका है वो साबी से शिकायत करने लगती है कि देख लो अपने हस्बैंड को, तुम वो मेरे घर आया, मतलब ऐसे कुछ सीन चलता है। बहुत बुराई कर रही होती है आशिका साबी से रजत की। तो उसके वक्त हमें एक मोमेंट देखने को मिला जहाँ पे साबी है रजत का स्टैंड लेती हुई नज़र आई और कहती हुई नज़र आई वो हस्बैंड ने मेरा तुम ऐसा मत बोलो, ये मतलब बहुत क्यूट क्यूट मोमेंट हमें देखने को मिलने वाले हैं आज के एपिसोड में, जहाँ पे रजत तो बेचारा नशे में सोया पड़ा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है लेकिन क्या चल रहा है। लेकिन साबी ने बहुत अच्छे से स्टैंड लिया है रजत के लिए, चाहे वह रजत नशे की हालत में हो चाहे रजत ने गलत किया हो उसके घर पहुँच के अपनी एक्स वाइफ के, फिर भी साबी अपने पति का स्टैंड जरूर ले रही है। एक भारतीय नारी बनी पड़ी है साबी। सेक्शन में बताइए इस एपिसोड के लिए कितने ज़्यादा आप लोग एक्साइटेड हो। देखते हैं रजत का क्या रिएक्शन होगा जब रजत को पता लगेगा कि साबी ने आशिका के सामने रजत के लिए स्टैंड लिया है। कहीं ना कहीं से तो पता लगेगा रजत को, क्या पता रजत को नशे में सुनाई दे रहा हो क्योंकि नशे में कान तो खुले रहते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ इस एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड हो, जहाँ पे साबी लेंगी रजत के लिए स्टैंड, वो भी आशिका के सामने, पहली बार होने वाला है कि आशिका के सामने स्टैंड लेंगी।